नमस्कार, हेलो अदब एंड वेलकम टू इन वीडियो गेम्स यूट्यूब चैनल। करियर मोड का एक और एपिसोड होने जा रहा है यहाँ पर शुरू। एक्साइटेड है हम लोग वन डे डेब्यू के लिए। और हाँ, एक बात और बता दूँ, लास्ट एपिसोड में कई लोग कहे थे भाई बिलियन जर्सी कब। बिलियन जर्सी एक्चुअली मैंने उसको T20 के लिए रखा हुआ है, हम रेट्रो के साथ ही जाने वाले वन डे में, तो T20 डेब्यू भी शायद इस वीडियो में हो सकता है। क्यों, क्या, कैसा है, क्या रहस्य छिपे हैं इस वीडियो में, वो अभी आगे के एपिसोड में ही खुलने वाला है, आगे के वीडियो में ही खुलने वाला है। लाइक गोल को मैं एक बार जरूर आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 2000 लाइक का। सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है हो सकते हैं लाइक गोल, डिपेंड करता है कि आप दबाते हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एक और एपिसोड, बनाते हैं कुछ रन, निकालते हैं कुछ विकेट्स, लेट्स प्ले। एक बात बता दूं, वनडे में मैं रेट्रो ही पहनने वाला हूं और प्लेइंग ग्राउंड पे भी निगाहें होंगी कि क्या आता है। और क्या वनडे का भी एनिमेशन कुछ अलग है, चलो पता करते हैं। लेट्स गो। अब ये कौन सा भाई स्टेडियम चिपका दिया। ओ नेशनल एंथम्स, ठीक है, नेशनल एंथम वाला एनिमेशन आता। टीम देख सकते हो आप, अरे यार नहीं है, कोई नया नाम नहीं इंटरनेशनल वाला। विराट फिर 12th मैन। इंडिया वन द टॉस और क्या सिलेक्ट किया, बैटिंग, ठीक है, रन डिफेंड करना है हमें। ओके, कोई इशू नहीं। इंट्रो इंट्रो इंट्रो, अच्छा ये इंट्रो T20 वाला है। हाँ ठीक है, मतलब जो छोटे मैचेस हैं, मतलब टेस्ट में खाली अलग है, बाकी वनडे T20 में सेम है। हो सकता है BBL में अलग हो, पता नहीं, अभी हमने जो एक्सपीरियंस किया है वही उसी के बारे में बात करेंगे। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। रोहित भाई हर बार कैमरे पे आते हो। 21 ओवर ऑलमोस्ट समाप्त हुए हैं और 131 मारे हैं बैटिंग आती हुई। सालिबा के सामने फर्स्ट इंटरनेशनल गेम, नहीं, अरे रन नहीं दौड़ पाया इसलिए मुझे लगा, मैं तो सिक्स मारना चाह रहा था। शर्मा 77, एक गेंद लेट ही सही, हिट कर दिया है बाउंड्री। अभी ये फील्डिंग लॉपटेड वाली है नहीं, तो लॉपटेड तो नहीं लगाऊंगा मैं। ओ पर फिर भी चार है, थोड़ा स्विप था थोड़ा पुल था ये। रिप्ले दिखाओ भाई, हाँ अगर नहीं दिखाते तो बहुत अफसोस करता मैं, मतलब हम तो दिखा ही सकते हैं लेकिन गेम वाला रिप्ले का सिनेमैटिक अलग ही होता है। खेलें क्या? ओए खेल दिया। एक ही आएगा लेकिन दो आ रहा है, दो ले रहा हूँ मैं जबरदस्ती। बच गया, हौसला थोड़ा सा बड़ा है, गलत शॉट लेता हुआ मैं। अर्ली रहा है, ध्यान रखना। और एजिस गंदी वाली और मिस फील्डिंग भी गंदी वाली। रनिंग हमारी अच्छी वाली, तीन निकालना चाहूंगा। शर्मा जी दौड़ जाइयो, 89 पे हो आप, मैं आउट तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा आपको, हो जाओ आप। अरे हो जाते लेकिन, अगर जाने दी होती। फिर से ओवर थ्रो भी भाई, लास्ट टाइम आपको पीट नहीं पाए थे। ओ इस बार भी अधूरा रहता हुआ। ओ माय गॉड, ये वनडे पारी तो भाई बहुत जल्दी पूरी हो गई हमारी। फर्स्ट वनडे था डेब्यू, इतना खास नहीं रहा है। खराब भी क्या यार, खराब मतलब खराब क्या बताऊँ यार। अभी अल्लाह जीते इंडिया तो सही है, बाकी तो फिर बहुत अफसोस होगा भाई। 20s में आउट हुए हम लोग, अपने कितने मारे 25 से, क्या कहेंगे भाई, अच्छी ही खराब। पहला मैच है वनडे का, 321 किए इंडिया ने 5 विकेट पे और 43 पे 5 गिर गई अफगानिस्तान की, बुरी तरह से वाट लगती हुई। देखो मेरा ओवर तो भाई महंगा ही जाने वाला है। फर्स्ट बॉल सिंगल, इंटरनेशनल फर्स्ट बॉल है वनडे का, मेरा सिंगल निकला है। कटर के बाद स्विंग, पेस वेरिएशन और निकल गई। 149 का पेस अटेम्प्ट करेंगे मेरे ख्याल से, चार बार का। हो बीट, थोड़े अंतर सिस्टम चूक रहे हैं। और ये है एक बहुत सही गेंद, परफेक्ट और गुड रिलीज और जंप के साथ विकेट मिलते हुए इंटरनेशनल लेवल पे वन डे की पहली सफलता यहाँ पे आती हुई कीपर के थ्रू। सेम गेंद पे बचे थे लास्ट टाइम, इससे पहले वाली गेंद पे फिर से वही खेलने गए, वही फ्रंट फुट और किनारा साबित हुआ। ये रिप्ले तो देखना बनता है यार, पहला विकेट है। जो खिलाड़ी आउट हुए हमारे फर्स्ट विकेट में वो है अबू अल लतीफ असमार, इतना बड़ा नाम है याद भी नहीं रहने वाला। जकरिया अबील, साइड पे खड़ा है, आग उगल रहा हूँ मैं। दिखेगी नहीं आग, ऐसी आग है। बोल्ड बॉटम अपील, अरे यार जकरिया नहीं समझ पा रहा कुछ बेचारा, मेरे को लगता है लॉपटेड मार देगा रहना। अरे गया एल बी एल बी एल बी एल बी एल बी, अरे नहीं दिया अंपायर ने, स्विंग बाहर हो गया क्या, अबे फुटबॉल बाद में खेलियो। अरे नो दबा दिया मैंने गलती से, अरे मुझे आउट लग रहा था, अरे नहीं विकेट मिसिंग है, चलो बच गया। एक यॉर्कर तो बनती है अटेम्प्ट में और वो देगी रन आउट चांस। अरे बढ़िया, अच्छा हुआ कवर नहीं किया। तेरा गेंदे चार विकेट्स की तलाश, अधूरी।
क्या आउट होंगे? बीट हुए सर, खेलने का अटेम्प्ट था। जकरिया तू आउट होके रहेगा, आउट करो भाई जकरिया को। बॉटम एज, इनसाइड एज, बॉटम एज दोनों थी। चलो साइड ही चेंज कर दिया, अब क्या होगा? ओए पैरों पे लगी तो है लेकिन लेग साइड है क्या? अभी नहीं दिया, नॉट आउट, नॉट आउट। 102 पे ऑल आउट हुआ है यहाँ पर अफगानिस्तान। मैन ऑफ द मैच बनते रोहित शर्मा, वेरी 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 वेल डिजर्व्ड भाई। गेंदबाज भी छा गए हैं, 219 की शानदार जीत, 1-0 की लीड इंडिया के पास। तो यार हम लोग सेकेंड वनडे के लिए 1-0 की लीड इंडिया के पास। सबसे खास बात बताऊँ क्या है, कैलेंडर में आगे दिखाई नहीं रहा क्या है, 3 ही वनडे का सीरीज़ है और इंडिया अभी तक मेरे रहते हुए एक भी सीरीज़ नहीं हारा। ऑस्ट्रेलिया को जीता हराया, इंग्लैंड को हराया, अफगानिस्तान को भी हराएगा, उम्मीद कर रहे हैं दूसरा वनडे जीतना होगा हमें उसके लिए। एक चीज़ अभी याद आ रही है मुझे, मैंने नया फेस क्रिएट कर दिया है, हाँ इसमें डाला नहीं है, और हाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं, संगीत शुक्ला सर्च करेंगे आप एकेडमी में तो आपको मिल जाएगा फेस। और एक बात और, मैं सिर्फ सीरीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं मैच भी कोई नहीं आ रहा मेरे रहते हुए, इंडिया एक भी मैच नहीं आ रहा है टीम कुछ इस तरह से। चलो भाई इंडिया यहाँ पर भी टॉस जीता हुआ और बॉलिंग का फैसला किया है, ठीक है बॉलिंग बैटिंग, रन 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 चेज आने वाला है। इंट्रो नहीं देख रहे भाई, सब सेम ही रहती है जब तक बैट्समैन बदल नहीं जाते या बॉलर नहीं बदल जाते। आठ लग गई, 27 पे 5। ये मेरा अभी फेस है, मैं इसको एडिट करूँगा अगले अगले एपिसोड अगले मैच में। भाई वी नीड विकेट, नो बॉल ना डाल देना, फर्स्ट बॉल डॉट। ओवर में एक भी चौके लगे नहीं, पावर प्ले का ये लास्ट गेंद और उस पर डॉट। फिर 3 में थोड़ा सा साइड बदला, लेंथ अपील, मिडल पे भी रखी थी, बाहर की तरफ स्विंग कराई थी, सफलता नहीं। 50 ओवर तो भूल जाओ भाई, 50 नहीं खेलने वाला। वे यार मिस फील्डिंग की ऐसी की तैसी, 2 रन देगी। ओवर गेंद एंगल में है, बीट और नो बॉल, बड़ा हिट लगा दिया ना, तो फिर एक नहीं 2-3 लगाएंगे। लो खाओ चौका, फर्स्ट बाउंड्री, फिर आएगा स्लोअर और ये थोड़ा सा बड़ा शॉट, वन बाउंस, कैच जा सकता था, लाइन में रखी भाई उधर ही गिरी हो, बॉटम से 4, बहुत ये सबसे क्लीन हिट, मतलब सबसे तेज गई है बाउंड्री, ऊपर में 4 आ चुके हैं और अगली गेंद ऐसे देखी जा रही है लेकिन ये बाउंस भी ले चुकी है। आखिरी गेंद, एक और ओवर, सफलता नहीं, रन आउट यार, सब फेल। 23-18 एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की है, फिर इनसाइड एज, रन आउट के चांस में, अच्छा ओवर रनों के हिसाब से, पर विकेट नहीं मिल रहा इंडियन गेंदबाजों को। 50 दिखाने के लिए लाया लगता है मुझे गेंद, लेकिन इनकी 50 का सपना अधूरा रहेगा। ओह माय गॉड, मैं अफसोस कर रहा था कि यार मैं इनका 50 दिखाने के एनिमेशन के लिए लाया हो क्या मुझे। लाइन लेंथ का फंडा सिंपल था भाई, कि बल्ले से करी, बॉडी के करी, खेलाओ खिलाओ खिलाओ खिलाओ, खेला हो गए तभी तो विकेट गिर पे, वही हुआ यहाँ पे। अच्छी पारी भाई, अबू उल लतीफ अस्मार, नाइस, अरे वल्लाह को तो छोड़ दो, सहन अपरे लेफ्टी है, आउट नहीं है पर अगली गेंद का सोच रहा हूँ। सेकेंड ओवर सेकेंड स्पेल, ड्राइव बेहतरीन और ये 4 के लिए रोका गया है बाउंड्री लाइन पर। 2 दौड़ते हुए मुझे काहे थ्रो दे रहा है यार, मैं तो ना उधर खड़ा हूँ ना इधर खड़ा हूँ, क्या यार बीच में दे रहा है थ्रो। 3.73 स्लोअर, कहने के लिए स्लोअर, बाकी 147 गया केस, 50 रोक दिया, अब जकी को रोको, 47 पे खेल रहे हैं जिसके साथ, लीजिए 50 लगता हुआ एकदम झकास अंदाज से, मतलब जिसके थ्रू लगाया लेकिन लगी तो बाउंड्री है ना। अब नहीं ये तो नॉन स्ट्राइक करने वाले खिलाड़ी, अरे यार मैं ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गया भाई, उसको रोकना है यार, अच्छा चांस है अभी। जकी की लग गई है 50, अफगानिस्तान सर्वाइव करने जा रहा है, कैच का चांस है यहाँ पर लेकिन ये 6 नहीं रोक लिया है, 2 रन लेते हुए, पर भाई 50 लगा दिया। और सबसे बुरी बात, 9 ओवर में 5 विकेट थे अफगानिस्तान के, 50 तो ओवर खेलने की तैयारी है, बहुत ही बढ़िया फाइट बैक और अब अग्रेशन दिखा रहे हैं। और भाई तू 49 ओवर डाल रहा है, मैं सीरियस था ही नहीं इनको, लो खाओ अब 6 है, हाँ ग्रेट बात, मोदी जी भी है, बिग हिट बिग हिट बिग हिट, रोक ले तो अच्छा नहीं तो नुकसान, बाउंड्री 145 पे हमारी बैटिंग आई है, 225 पे 8, अफगानिस्तान ऑल आउट नहीं हुआ, 80 रन और चाहिए हमें। सिनारियो फिर बहुत क्लियर है, गेंदें बहुत हैं, कोई टेंशन नहीं। जकरिया भाई पहले 2-3 गेंदें संभालियो, चलो 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 चलो, 4 के लिए जा तो रही है लेकिन नहीं, 2 पे ही रुकना होगा, डबल से शुरू, 4
चार विकेट इंडिया खोया है, एजिस दे रहे हैं हम लोग, डबल मत ही ले तो अच्छा है। ऑफसाइड, इस बार परफेक्ट, आइडियल टाइमिंग, बाउंड्री। नहीं यार, लास्ट टाइम एज आई थी, थोड़ा डर है अभी, टाइमिंग क्या बनता है नबी के स्पिनर्स के सामने, देखना होगा। विकर्स ने कुछ अच्छे रन बनाए हैं, 17 में पहुंच गए, 4 पे थे, पर शकीर ने फाइन लग दे दिया है, मैं नहीं छोड़ने वाला, 6 रन फर्स्ट बॉल पर। जाहिर खान अर्ली खेल रहे हो, अरे यार बोलते बोलते अर्ली खेल रहा हूँ यार, ये पारियां मुझे मतलब वनडे टीम में जगह नहीं दिलाएंगे, ऐसी छोटी छोटी पारियां। अफगानिस्तान यहाँ पर स्ट्राइक लेता हुआ आवाज आई है, कैरी किया है साहब, डीआरएस का तो सवाल ही नहीं उठता, 7 पोजीशन में आ गए थे पहले ही, पिचिंग थोड़ा सा मुश्किल, हैरान लग रहा है, 12 में 20, नॉट अ गुड पारी। तो आई है इंडिया के नाम ही 227, 5 विकेट गंवा के, मैन ऑफ द मैच चहर बनते हुए, सही है, क्या किया भाई इन्होंने चहर ने, 3 विकेट निकाले थे, और बैटिंग आई थी नहीं आई थी। एक न्यूज़ आई है कि इंग्लैंड T20 ग्लैम मॉर्गन की तरफ से खेलने का मौका मिला है, ये T20 इसलिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कैप्टन बनने का भी ऑफर है, विदाउट अ डाउट एक्सेप्ट, ठीक है, ये होता है बग भाई, ये इंग्लैंड के खिलाड़ियों से मिलाने आए हैं, लेकिन जो लास्ट टाइम आपने खेला होता है ना टीम, उसी की टीम दिखाते हैं, ये बग है। सीजन यहाँ पे इस मैच के बाद समाप्त हो जाएगा, अफगानिस्तान के साथ तीसरा वनडे खेलने जा रहे हैं हम लोग, कॉल अफगानिस्तान का टेल्स का था, गिरा हेड्स, इंडिया जीता हुआ टॉस, बॉलिंग के लिए जा रहा है, और मेरे ख्याल से अफगानिस्तान शायद नहीं आती, कोई और टीम आती वनडे के लिए, ज़्यादा अच्छा था, स्पिनर्स के सामने परफॉर्मेंस डाउन रह रहा है, ये लास्ट वनडे कुछ कर दिखाने का एज अ बैट्समैन भाई, 23 पर 1, इस बार तो अफगानिस्तान फाइट देने के मूड में, वन बाउंड्री मैं गिन के चल रहा हूँ, बाकी आप देखो कैसे रोकते हैं, ये देखो इनकी फील्डिंग देखो, रोक लिया भाई, पेट से रोक रहे हैं गजब है। वाइड यॉर्कर का अटेम्प्ट मुझे लग रहा है एज लगेगी, रूम देते हुए और एक बढ़िया चार्क जाता हुआ पॉइंट ओवर के बीच से, ज़्यादा ही आसानी से खेल गए, इस बार ना रन ज़्यादा बनने वाला है, बीट करा है इस गेम पे ऐसा लग रहा है, तो मतलब कि भाई बैटिंग का भी अच्छा खासा मौका मिलेगा, मतलब वो बात मैं सोच रहा हूँ, दोनों के लिए साइड चेंज, और ये विकेट मिड विकेट से वन बाउंस बाउंड्री, इस ओवर का चौके का हिसाब करते हुए 9 50+, पार्टनरशिप भी लगा दी, फील्डिंग सेटअप इतना भी खास नहीं, और उसी का, अरे आगे आया नहीं बंदा, कौन है भाई तू, एफर्ट ही नहीं डाला ऐसा लगा मुझे, कैच था क्या, बाहर की गेंदों से छिड़कानी की है, गिर चुकी है, बाउंस हो चुकी है, अलीबा का फुल अटेम्प्ट की, ओह बीट ऑफ स्टंप पे, तैयार ऑफ कटर के साथ, अरे पावरफुल हिट, दम है शॉट में, देगा 4, 160 के पार अफगानिस्तान, मुझे लग रहा है पहली गेंद भी पड़ेगी, बॉलर पे थ्रो कहाँ दे रहा है यार, और मैंने DRS ना कह दिया था, हाँ कोई नहीं मुझे नहीं लग रहा आउट है, अरे बॉप एम्पायर्स कॉल, विकेट मिसिंग, बच गए, अफसोस से बच गए, कोशिश जारी रहेगी और सफलता नहीं मिली, लेकिन 50 चांस, लेकिन नहीं सेफ है, फिर गेंद गिर गए, गिरने के बाद कीपर तक पहुंची, 50 रोके हो एक बार, और इस कहां पैर बीच में आ गया, रन आउट कर गिरा स्टंप्स, चौके का चांस, एजेस, और चलो भाई तुम ऐसे ही निकालो चौके, एक बात कहूँ 50 का एनिमेशन हमारे सामने नहीं आने वाला, अगला ओवर मैटर नहीं जाने वाला, टेंडर्स आ गए, और काय का टेल हैंडर्स, लॉपटेड मारा बंदे ने जो टॉप ऑर्डर नहीं कर पाए, नंबर 2-3 के बल्लेबाज, 2 रन चाकी यहाँ पे, अच्छा चकी है, चकास खेलता है बंदा, आखिरी 5 गेंदे मेरी, और बता दूँ एक बात, फिर लॉपटेड खेला है, फिर वन बाउंस पहुँचा है यहाँ पे, मैंने सारी ओवर्स डालता हूँ इंटरनेशनल में, चाहे वनडे हो या टेस्ट, दिखती भले आपको कुछ कम होगी, एक अच्छी बात, बाउंड्री नहीं जानती हमने एक भी, लो नहीं गई इस बार इम्पॉर्टेंट शॉट है, लास्ट गेंद है, अब तो दम लगाएगा, चकी आया ऊपर से, थोड़ा सा खतरा बढ़ा है, 63 पर 3 गिर गए हैं, 160 और करने हैं, हमारी बैटिंग आती है, लाइन खाली, लेकिन गेंद ऑफ साइड पर लीव किया है हमने, फिर ये वही गेंद है जिस पे आउट हुए थे लास्ट टाइम, डॉट फाइन खाली, और ये मेरी पागलपंती ऑन, विकेट खोने के बहुत करीब, आउटसाइड एज, वहीं के वहीं रुकता हुआ गेंद, इस बार स्लो, और रे ये भी मिस हो रहा है, और बैट पैड हुआ है कि नहीं,
नहीं ऐसे आउट तो नहीं होगा, ऑफसाइड जा रहा होगा स्टंप पे, दूर हो। काफी yep. सही गेंद, काफी सही शॉट, गैप मिल रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है। बाउंड्री, ये चार। नबी इस बार स्लिप भी रखे हैं, बाप रे। स्लोअर, यस, नाइस बॉल। 86 है लेकिन काफी धीरे आए, टॉप स्पिन थी। हम फाइन लेग का चक्कर इस yeah. बार दिलाएगा चौका। अरे बहुत भाई का, मैं ऑफसाइड नहीं निकलूंगा अभी, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। yeah. अबे क्या कर रहे हो? अरे कुछ सोचने, कुछ सोचने में चला गया मैं। आने एक बार फिर खाएंगे चार चौका। काम तो बहुत yep. बाकी है भाई यहाँ से। डबल इस बार, डबल आएगा। बहुत ही खराब गेंदबाजी, तीन बाउंड्री, 50 से दो दूर में रन दौड़ाया था। yes, nice ball. वाइड है ना, हाँ वाइड, रन भी दौड़ाया तब बच गया। तैयार yep. अभी फिर दौड़ाया रन। nice अरे गेंदे से घूम नहीं रहे हो, थ्रो भी मार रहा है इसलिए वो थ्रो मार रहा है, कंफ्यूज हो रहा है कि कॉल तो आया रन का, दौड़ा क्यों नहीं कोई प्लेयर। और ये लगा 50 बाउंड्री के साथ। टोटल 25 गेंदें यहाँ पे खेली हमने, 9 चौकों के साथ, अर्धशतक लगा गायब। yep. और ये पागल जिसने मेरा टॉगल चलानी फिर से ओके टाइमिंग से फिर दो निकालते हुए, पर कैच था ये, पता नहीं क्यों टॉगल नहीं चला। साइड चेंज इस बार हमारे yep. लिए कोई फर्क नहीं, बल्कि यहाँ पे आसान हो गया चौका। मिड विकेट नहीं लगा पाए थे मिड ऑन, लेकिन मिड ऑफ और कवर का हिस्से से चार। बैक फुट में कंफ्यूज था, फ्रंट फुट खेलूँ बैक फुट, फुटवर्क गुड दिखा रहा है। शतक से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम लोग बाउंड्री के साथ 71 पे पहुँचेंगे और 29 दूर। सेंचुरी का दिक्कत तो नहीं लग रहा, हाँ आउट हुए तो बात अलग है, बाकी खेलते खेलते कर लेंगे, इसलिए कोई मैं बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा स्ट्राइक लेने के लिए। गौड़ा भी 47 पे पहुँच गए। चकरिया एजेस, कीपर तक पहुँची नहीं, नज़दीक पोजिशन खाली थी। फिर से बाउंसर, फिर से वही हाल, इस बार कीपर बचते हुए बॉल, बॉल मिस कर रहा हूं, कीपर बाउंसर पे बीट हो रहा हूं यार, अनबिलीवेबल। स्ट्रेट ए, रिएक्शन नहीं, किसी का रिएक्शन नहीं, गेंदबाज भी वहीं का वहीं रुक गया था। क्विकर पढ़ लिया था इसको, दो लेना चाहूंगा मैं, मुझे लग रहा है दांव हो सकता है मेरे साथ, कुछ बहुत बुरा वाला, क्योंकि जीत के काफ़ी करीब पहुंच रहे हैं। और गौड़ा भी, अरे गौड़ा तो आउट हो गए, उत्कर्ष सिंह यहां पे रन बना रहे हैं, तीन निकाले मैंने, उम्मीद करता हूं सेंचुरी का मौका मिले। सेंचुरी के लिए दो बाकी, जीत के लिए दो बाकी भाई, अगर नहीं दी होती ना गेंदबाजी, वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। अरे यार दौड़ना था कि नहीं दौड़ना था, अरे नहीं मिलने वाली गेंदबाजी अब फिर, मतलब वो अरे देगा नहीं वो 600 के लिए मौका, दो ही रन करने हैं शतक के लिए भी जीत के लिए भी। कन्फर्म दो होगा तो ही दौड़ेंगे भाई, दो दौड़ गया आउट तो आउट, ऐसा भी उत्कर्ष ही आउट होंगे, मैं तो नहीं होने वाला, कर लेंगे कर लेंगे, डोंट वरी भाई, इतना भी नहीं हूँ स्वार्थी भाई। शतक लगता हुआ वनडे इंटरनेशनल का पहला, और टीम इंडिया को यहाँ पे जीत दिलाते हुए हम लोग 3-0 से वाइट वॉश करते हुए हम लोग अफगानिस्तान का, एज एक्सपेक्टेड मैन ऑफ द मैच कौन है? और ये तो बुमराह आ गए, चलो कोई नहीं ट्रॉफी सेलिब्रेशन दिखा दो, मैं भी कहाँ पर कहीं कप वप लेके खड़ा हूँ, शायद शायद इंटरव्यू होगा, मैं नहीं हूँ ना इसलिए, मेरे से इंटरव्यू नहीं लेते ये लोग, पता नहीं क्यों, लास्ट टाइम मेरे को तो 2 हफ्ते पहले कोरोना हुआ था, और फिर भी ये लोग मेरा इंटरव्यू नहीं लेते, इसके पहले भी नहीं लेते थे, अब भी नहीं लेते भाई। एनिमेशन विनिंग 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 एनिमेशन एनिमेशन, आजा 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 आजा, मैं कहाँ हूँ मैं, अरे हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा, राइट साइड खड़ा हूँ, टेस्ट में नहीं आया था पता नहीं क्यों। ओ भाई जी कोहली है कि नहीं? अब शर्मा तो अच्छा, मेरे पीछे ही शर्मा खड़ा है, अच्छा वो 11 लोग ही होते हैं सर, 12th मैन को नहीं मिलता। इंडिया 1/6 विकेट, बुमराह क्यों बने, मैं तो मैं 3 विकेट निकाली इसलिए, अरे यार मेरे को मिलना था, मिशन आएगा पता था। अब अच्छा बोलना कुछ है? क्या बोल रहे हैं, वेल डन एवरीवन, दैट्स एग्जैक्टली भाई, ये तो वही रिपीटेड बोल दिया, लास्ट सीरीज में भी यही कहा था। अफगानिस्तान टूर ऑफ इंडिया इज नाउ कंप्लीट, ओके मेरा सीजन ही एंड हो गया। हाँ पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपना भाई चेहरा बदल ले रहा हूँ, और हाँ एक नया बैट मैं बाय कर रहा हूँ जो मैं रियल लाइफ में यूज़ करता था, दिखाता हूँ क्या है। तो जी हाँ हमारा बैट अब बदलेगा, और हमारा जो नया बैट है वो है, जो लोग पहले वीडियोस देखते हैं उनको पता है मैं कौन सा चुनने वाला हूँ इसमें, IVGYT भाई। तो हमारा नया बैट जो है वो है बास वैम्पायर, विंटेज बास वैम्पायर, मतलब ऐसा कुछ है, इसको कैसे जूम करते हैं दिखाऊं भाई, रुको भाई जूम नहीं हो रहा,
लेकिन ये है हमारा बैट, देख सकता है ना आप लोग, दिस इज अवर न्यू बैट, वैम्पायर भी लिखा है। एक्चुअली मेरे पास ब्लैक कलर वाला है, ये ब्लू कलर वाला स्टिकर है, बाकी सेम ही है। देखते हैं अब क्या करते हैं हम इस नए बैट से। पी का चेहरा कुछ ऐसा है, अब मैं इसको एडिट करूंगा। ऑलरेडी मैंने एडिट करके अपलोड कर दिया है, अनफॉर्चुनेटली करियर मोड में आपको फिर से सब एडिट करना पड़ता है, तो ये दिक्कत की बात है। अनफॉर्चुनेटली अभी इसके अंदर जो जूम फीचर है वो नहीं चल रहा है, तो मुझे क्या करना होगा कि जो मैंने प्लेयर ऑलरेडी बना के अपलोड किया हुआ है उसका मुझे एक स्क्रीन पे कहीं कॉपी पेस्ट करना होगी उसकी सारी डिटेल्स, और उसको अप्लाई करना होगा। तो वो अभी हम लोग नहीं करेंगे, आप सीधा देखोगे इसको अपडेट होता हुआ बाद की वीडियोस में। पर अभी का लुक कुछ ऐसा है, पिछली बार से आप देख सकते हैं चेहरा काफ़ी सही हो गया, वो मिक्स नहीं लग रहा ब्लैक और वाइट। और 115 दिन बाद हमारा यहाँ पर श्रीलंका इंडिया का मैच, 115 दिन करूँगा क्या मैं? नहीं भाई, जाके जिम कर, जा भाई जिम कर, चलो भाई जिम करते हैं हम लोग। बहुत देर से कमेंट आया था, कई लोग कहते थे जिम कब करोगे भाई, दिस इज़ ए टाइम टू सम जिम जिम फिजिकल मेरा बढ़ेगा, ट्रेडमिल करने जा रहा हूँ, इजी ट्राई कर रहा हूँ, पहली बार खेल रहे हैं भाई, मुझे भी आइडिया नहीं है। चलो भाई सही कॉम्बिनेशन में करना है, LTRT। अच्छा वो ग्रीन में मुझे रोकना है क्या? लग रहा है भाई मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। अबे नहीं धीरे, अब गलत हो गया, ठीक है ओपी भाई, एकदम तेज सुपरमैन अचीवमेंट मिलना चाहिए भाई को इस बार। झंडे गाड़ने भाई, ए झंडे गाड़ने भाई, क्या कर रहा है? अरे 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 क्या है, थक गया, अरे हो गया भाई रैप काउंट 40 आया मेरा भाई, अच्छा ही खराब 4 पॉइंट मेरे फिजिकल बढ़े हैं, वो कैमरे के पीछे छिप गया मेरा। और साथ ही साथ एक और गुड न्यूज़ आती हुई, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के लिए भी हमने सिलेक्टर्स की नज़रें चुरा ली हैं, हमारे ऊपर डाल ली हैं, और हम लोग सिलेक्ट होते हुए, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारी न्यूज़ आएंगी, 110 दिन बाद मैच है, वनडे के लिए भी सिलेक्ट हो गया मैं वेस्ट इंडीज़ के लिए, काश कप्तानी मिल जाए, काश, फिंगर्स क्रॉस्ड। बिलियन जर्सी भी इसी के साथ स्क्रीन पे आती हुई। देखो एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि थोड़ा टेस्ट मैच जब आए मेरा तो आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वनडे और T20 मिक्स करके आए, सिर्फ टेस्ट मैच आएगा तो थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा गेम प्ले। तो अभी तो अच्छा है, वनडे भी हो गया, T20 भी आ रहा है, टेस्ट भी आ रहा है, मज़ा आने वाला है। T20 सीरीज में भी हो गया भाई, मतलब वेस्ट इंडीज़ का फुल टूर करेंगे, इंडिया टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़ है ना, हाँ भाई चलो वेस्ट इंडीज़। पूरे होते हुए और मल्टीपल क्लब्स हैव यू ऑफर अपकमिंग कैरिबियन प्रीमियर लीग का ऑफर आता हुआ यार, इंडियन प्रीमियर लीग का कब आएगा यार? इस बार मैं आप लोगों की पसंद वाली टीम चुन रहा हूँ, TKR। मेरा दिल तो अभी भी सेंट लुसिया किंग्स पर ही है। जिम ओपन हो गया है, सेकंड नंबर का जिम ट्राई करते हैं, रिएक्शन वॉल। ये क्या करना है, ए ए ए ए, अबे कुछ हो ही नहीं रहा, ए ए, अबे भाई तू, ए क्या करना है भाई, हाँ यहाँ पे कुछ हुआ है हल्का फुल्का, ए कुछ चल ही नहीं रहा भाई यहाँ पे, ये किसका फ़ोन आ गया भाई, पहुँच गया भाई, ये तो ए ये क्या, ए अच्छा 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 अच्छा, ये क्या कर रहा है ये, ओ ये एकदम से, ये क्या हो रहा है? अच्छा मैं खाली ए कर रहा हूँ और हो भी गया, ये क्या हुआ? अबे किसी को पता ही चला क्या हुआ? मुझे नहीं पता चला। ट्रिबागोन मेडियो ने ऑफर, अरे बेचारे किरण पोलार्ड की जगह मैं आ गया। इंग्लैंड ने हमें इनविटेशन भेजा है बदला लेने के लिए, हमने इंग्लैंड का टूर ऑफ इंडिया में उनको 5-0 से हराया था, अब हम इंग्लैंड जा रहे हैं टेस्ट सीरीज के लिए, एक्सेप्टेड। ट्रेनिंग ओपन हुई है जिम की, अब तीसरा नंबर का ट्राई करेंगे हम लोग, पे ट्रेनिंग, चलो इजी इजी इजी, स्टार्ट भाई स्टार्ट, LTRT। अच्छा ये तो लल्लू है यार, ये तो लल्लू पंजू है यार, ये ऐसे 500-600 किलो तो मैं अपने उंगलियों पर उठाता हूँ भाई, लेकिन थोड़ा टफ हो रहा है अब LTRT, पहले एक दो बार में हो गया, एक 10 kg का है, अच्छा वो 20 kg का, अरे गोल्ड मेडल मिल गया, अटैक मेरा बढ़ता हुआ 10 पॉइंट, सही है। स्पॉन्सरशिप ऑफर, चलो चलो चलो, कौन सी है भाई, फूड बेवरेज है, बूस्ट रिकवरी फ्रॉम इंजरी एंड फैटिक 20%, अभी मेरे पास ये पता नहीं क्या आ रहा है, बूस्ट AP एंड थ्रू गेम प्ले और बूस्ट AP थ्रू नेट्स प्रैक्टिस, भाई ये तो बेकार है, मैं ये गेम प्ले वाला कर रहा हूँ। उधर ग्लैमॉर्गन का सफ़र पूरा होता हुआ 6th पोजीशन पे, मेरे बिना भैया यही हालत होगी। ट्रेनिंग अनलॉक हुआ है, वेट ट्रेनिंग डंबल उठाएंगे हम लोग, इजी इजी इजी, भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, इजी तो इजी है, तो ये LTRT चल जा, अच्छा गोप तो बोला है LTRT, अरे फॉल टाइम हो रहा है, अच्छा LT ये क्या, अच्छा LT क्या करना है भाई, मैंने पढ़ा ही नहीं था सॉरी, LT हाँ LT, अच्छा LT कांप रहा है, पैर कांप रहे हैं मेरे, फॉल टाइम, अच्छा LT, अबे LTRT
उठा ले भाई एक, हाँ उठा लिया आंटी, वो आंटी अच्छा आंटी को क्या करना अच्छा ऐसे ओ अभी तो, लेकिन ये चलता क्यों नहीं, हाँ 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 भाई बस 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 बस, बस बहुत अच्छे भाई, अच्छा मालूम पड़ गया, अरे ब्रॉन्ज लेवल मिला, चार डिलीवरी मेरी अब थोड़ी सी अच्छी होगी, डम्बस वम्बस कर लिए भाई मैंने, देखो ये साउथ अफ्रीका इंडिया फॉर साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया, अच्छा साउथ अफ्रीका घर पे आ रही है, ये कौन सी चीज़ के लिए, लेकिन लिखा नहीं है यू हैव सीन, मतलब वो नहीं लिखा वनडे की T20 नहीं लिखा, बस लिखा है साउथ अफ्रीका टूर ऑफ इंडिया, ट्रेनिंग अनलॉक हुआ है, रोइंग मशीन, चलो 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 स्टार्ट भाई, एल और आर क्या होगा, अच्छा एल और आर और एड, अच्छा अबे लेकिन ये तो, ओ भाई ये तो कितना टफ है, पहले एल को लाओ फिर आर को लाओ फिर, अरे भाई काफ़ी ज़्यादा टफ है यार ये तो, अच्छा ठीक है एल टी आर टी, ओ हाँ आप समझा मैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा वक्त कम है, हाँ 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 वे ऐसे ही करते हैं कि दूसरा करते हैं कुछ समझ नहीं, हाँ ठीक है सही जा रहे हो भाई, अरे यार उंगली छूट जाती है कि कर नहीं पा रहा मैं, इस बार करेंगे पूरा, अच्छा आपको दोनों तरफ से करना है, नॉट बैड, अब तो कर ले फिर से, अच्छा एक बार होने के बाद फिर करना पड़ता है, सही है ब्रॉन्ज ही आने वाला है इस बार, और हुआ एक राउंड वही बड़ी बात है, हाँ दो हुआ कि नहीं पता नहीं, कितने रैप पूरे हुए, एक ही रैप पूरा हुआ, अरे भाई सत्यानाश हो जाए, एक और हो जाए, हो सकता है कर सकते हो भाई, उंगली मत छोड़ना अंत तक, समय पूरा होने वाला है, अरे कुछ भी फ़ायदा नहीं भाई, मेरा मन तो नहीं है गुजरात वाला खेलने का, अगर मान लो मैं डिक्लाइन कर देता हूँ तो क्या होगा, चलो मैं इस बार है ना डिक्लाइन कर रहा हूँ, बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, गुजरात के मैचेस हम लोग नहीं खेलने वाले हैं तो मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ, बहुत बड़ा रिस्क, रणजी ट्रॉफी खेलने से इनकार करता हुआ मैं, जैसे हार्दिक पांड्या ने कर दिया है गांगुली के कहने के बावजूद, ट्रेनिंग अनलॉक हुआ है, अब हमारी बारी है छठा नंबर बॉक्स जंप, टोटल कितने हैं, 9 हैं, बॉक्स जंप की बारी है, ठीक है एल को पूरा घुमाना है यहाँ पर, अच्छा ऐसे फिर ऐसे ये दबाओ, ओ ये तो ऊपर चढ़ गया, ठीक है फिर नीचे आ गया, फिर ये फिर क्या करना है मुझे, हो रहा है ना रैप काउंट तो हो रहा है ना भाई, अरे ये तो आसान है भाई, भाई नीचे तो आ जा तू, चल भी रहा है कि नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा, अच्छा कंपलसरी आपको फिर छोड़ना भी है बटन, ये तो गलत है भाई, अच्छा हाँ फिर ये दबाओ, अबे क्या गोल्ड मेडल मिला है, 10 पॉइंट फील्डिंग में इम्प्रूव है हमारे, और अब भाई मेरे ख्याल से टाइम हो गया है कोलंबो जाने का, ट्रेनिंग करते हुए चलेंगे एक बार फिर मौका मिला है तो, दो मेरे को लगता है बाद में करनी पड़ेगी, बॉक्स जंप हो गया ना, एक ही बाकी है, बैलेंस बॉल आ गया है, योगा बाकी से स्टार्ट, मेरा भाई मेरे तरह लग रहा है कि नहीं भाई, पता नहीं देखो आप लोग ही बताओ, ए हाँ हाँ ए से क्या, अच्छा ए से खड़ा होना है, ओके 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 हो तो गया, ओ भाई तो खड़ा हो रहा है फिर से, दो रैप मार दिए, ए देखना 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 भाई, इधर टप भी होता जा रहा है, 6 सेकेंड, ये अच्छा किया, जितना मैंने सोचा था ना फ़नी होगा, मुझे फ़नी नहीं लगा, पता नहीं क्यों मुझे फ़नी की उम्मीद थी कि फ़नी होगा ये, अबे क्या हुआ, ओके ओके हो गया, 10 दिन बाकी हैं, इसका मतलब है ट्रेनिंग अभी भी लॉक है, ए ये क्या आया, क्या ऑप्शन था, मैंने एक्सेप्ट ही किया डोंट वरी, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया क्या था, एक्सेप्ट कर दिया मैंने, ट्रेनिंग में जाओ, एक लास्ट ट्रेनिंग बाकी है भाई, जो लोग कहते ट्रेनिंग देखो ट्रेनिंग देखना, ये रहा भाई पूरा ट्रेनिंग आपके सामने आता हुआ, अच्छा ये वो वाला ही है, अरे यार ठीक है यार, ए LTRT LTRT भी दबाना भी है कि नहीं, अच्छा LTRT वो बोलेगा शायद, अभी तो फुल स्ट्रेच ही मार रहा हूँ मैं, चल जा, आया LTRT आया, फिर भूल गया ये, हाँ ठीक है अब चल, अच्छा अलग अलग पोजीशन में जा रहा है, अच्छा होल्ड कर रहा है पोजीशन, जैसे योगा में करते हैं ना होल्ड, ऐसे पोजीशन होल्ड कर रहा है, फिर LTRT दबा देने का, फिर इसको LTRT करके देखो, ये देखो ये अब पोजीशन चेंज होगी शायद, अबे कर ले पोजीशन चेंज, दो ही रैप हुए हैं, अच्छा वो कंपलसरी लगता है करना ही है उसको बेचारे को, दबाव है घर वालों का, करना ही है नहीं तो तुम्हें इंडिया टीम में जगह नहीं मिलेगी, हाँ इम्प्रूव तो हुआ है मेरा स्टेमिना या कुछ ना कुछ, मुझे एहसास हो रहा है रियल वाला, अच्छा सांस से छोड़ रहा है वो, ओके अच्छा पोजीशन बदल गई, ठीक है भाई दोनों अलग दिशा में जा रहे हैं, ठीक है कर लेंगे भाई, हो जाएगा डाउन वाले सांस से छोड़ दे, हाँ पोजीशन बदली नहीं लेकिन, ठीक है डन, कुछ क्या मिला, टेक्निकल फ़ायदा मिला है मुझे 10 पॉइंट का, बांग्लादेश टूर के लिए ODI सीरीज में जगह मिलती है, इंडिया बांग्लादेश टूर ऑफ इंडिया, अच्छा बांग्लादेश इंडिया में आ रहा है,
फैटिक मैनेजमेंट भी बनता है भाई, थोड़ा सा मसाज वसाज भी कर लें। गए नहीं कितने दिनों से मसाज पार्लर, ये तो इंडिया वाला कोई है अंदर पार्लर में पहले से ही। हमारा मैच आ रहा है T20, डेब्यू करने जा रहे हैं हम लोग टीम इंडिया के साथ। अच्छा टी लगता है श्रीलंका मैंने डाउनलोड नहीं किया, नेक्स्ट टाइम करेंगे हम लोग, अभी के लिए देखते हैं। अब मतलब की है मैंने, यूनिफॉर्म किया है लेकिन शायद नाम असली ना है। चलो भाई देखना होगा टीम इंडिया में कौन नए प्लेयर आते हैं। नेट प्रैक्टिस यहाँ पर देखनी है थोड़ी सी। अच्छा नेशनल एंथम आएगा, यस भाई कंट्री का मैच है तो। प्लेइंग इलेवन शुभमन गिल और नए प्लेयर अयोमिडे कैंट नए प्लेयर, और भाई यार नहीं विराट फिर बाहर। टॉस एक बार फिर इंडिया ने जीता है भाई, ये कप्तान बहुत लकी है, बहुत टॉस जीता है। बॉलिंग में आ रहा है इंडिया, रन चेज करेगा भाई बैटिंग पे। यो इंडियन जर्सी है, नया इंट्रो है, नई टीम है तो भाई इंट्रो देखनी पड़ती है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में यहाँ पर T20 सीरीज का आगाज हो रहा है। हमारा डेब्यू हुआ लेकिन कोई एनिमेशन नहीं आया कि भाई कॉपी दे रहा हूँ, टोपी दे रहा हूँ, कॉपी नहीं टोपी दे रहा हूँ, टोपी पहना रहा हूँ, मतलब हमें इस गेम ने टोपी पहना दी उस एनिमेशन के चक्कर में। 33-1 तैयार डेब्यू के लिए, चेहरा कुछ ऐसा लग रहा है नया वाला। पहला गेम बिगिट, नहीं ये गेम थोड़ा स्लो आ रहा है, क्या है 138.9 में। असलांका बिग हिट, फील्डर हैं लेकिन पहले ही नजर उनके पीछे है, कहाँ से कैच कर पाएंगे। 6 रन भाई, मेंटली प्रिपेयर रहो बिग हिट्स के लिए, वो पावर प्ले है। 4 रन फिर से एक बार, बाप रे ग्राउंड छोटा लग रहा है। फील्डिंग में मेजर परिवर्तन, ये फायदा नहीं नुकसान बल्कि। 4 रन लगाओ, मिड विकेट भी पीछे भेजो, हार की तरफ स्विंग और सन 150 पहली बार 150 गया क्या मैं, 150.6 का पेस, ओह माय गॉड। यॉर्कर कुछ फायदा नहीं, नुकसान पॉइंट पर से एच और 4 रन। वो तेज ही खेलने वाले हैं ये तो, और ये फाइनल है 4 रन। इतना तेज जा रहे हैं बाउंड्री की, पहले मिस किए थे शॉट, मिस बार कोई गलती नहीं सेकंड बार, बस अब वाइड रखना चाहा था। बॉटम से लॉफ्टेड शॉट, और ये पिछली 2 गेंदें जो डॉट गई थी उसका रिवेंज ले तो हसरंगा, चेहरे पे स्माइल होगा हसरंगा के, हमारे चेहरे से चुराया है, दो छक्का लगा दिया। फर्नांडो कैच, कैच भाई सब कुछ सेट है, तुम थोड़ा सा नहीं कैच तो नहीं था इस गेम पे, पर अलर्ट रहना जरूरी है, अगर एक आ रहा है तो एक ही लाओ, 2-3 नहीं देने। अपसाइड रखने में कामयाबी नहीं, गलती कैच, फिर वन बाउंस, कितने पड़ते हुए बच गया फील्डर, गिरने वाला था मुझे लगा। 61 गेंदें 87 और चाहिए जीतने के लिए। बैटिंग आता हुआ, नया चेहरा नया बैट, नया मैदान नया कपड़ा नया फॉर्मेट सब नया है। स्लोवर गेंद भाई, मत दौड़, कहाँ दौड़ा रहा हूँ मैं। बाउंसर नहीं, ये ऊपर से निकल गए, चलो चलो नहीं मेरे में कुछ नहीं जुड़ा है, वाइड होगी तो अच्छा है, नहीं तो बॉल मेरे में काउंट होगा पर बाय के मिलेंगे। वाइड भी है, 5 रन, गेंद भी काउंट नहीं, गलतियाँ वही कर रहे हैं, करने दो ने। हमारा पहला रन यहाँ पर आता हुआ 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, रनिंग भी पता लग गई है भाई, खतरे वाली थी। गायकवाड ओपी खेल रहे हैं, और ये मेरा एक सनसनाता शॉट, 4 जाएगा, फिर रोक लिया, 3-3 अटेम्प्ट कर लियो गायकवाड, रनिंग भी दिखा दे भाई, शाबाश। 3 रन, शूट नहीं कहूँगा पर मुझे लगता है मेरे को बैटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गायकवाड ही अकेले डोमिनेट कर जा रहे हैं श्रीलंका के ऊपर। 30 में 43 और अब सिर्फ 49 में 61 चाहिए। यॉर्कर, ओए चुकी है, अपील नहीं की उन्होंने, ऑफसाइड जा रही होगी, नहीं, दो दौड़ा रहा हूँ बोलो, मुझे लगा शायद वो घूमते रह जाएंगे कुछ देर, भिगाई में देख रहे हैं बाहर था, हाँ तब गलती की मैंने, दौड़ा भी दिया, पागल हूँ क्या मैं भाई यार, अपील तो नहीं की, तो पागल था मैं। पहला है ना T20 इसलिए थोड़ा मतलब सब्र से खेल रहे हैं, साइड मारा है, दौड़ना शायद गलती वाला हो सकता है, लोग बॉलर पे दे दिए थे और यहाँ पे जीत गए हम लोग, वाह। अबे 30-24 रन चाहिए थे भाई, गॉड ये बंदा रियल में खेलेगा तब क्या हालत करेगा भाई, जबरदस्त भाई, वेरी वेल डन। 80-85 तो मारे होंगे पक्का, कितने मारे, 93 नॉट आउट, शायद 17 ओवर में जीत गया इंडिया। और जी हाँ यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं इस एपिसोड में विराम। मैं बता दूँ एक गुड न्यूज़, दिसंबर 2024, अभी 15 जुलाई चल रहा है इस गेम में, दिसंबर 2024 तक हमारे सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मैचेस हैं, तो यहाँ से हर एक मैच आपको मतलब
बड़ी टीमों के सामने खेलना है, बड़े प्लेयर्स के सामने खेलना है, मज़ा आने वाला है। और मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है जैसे दिसंबर तक पहुँचेगा ना शेड्यूल और टूर्नामेंट्स आ जाएंगे। आईपीएल का भी इंतजार चल रहा है, लेकिन आईपीएल में अभी मेरे ख्याल से टाइम है, लास्ट टाइम हम लोग सिलेक्ट नहीं हुए थे अनफॉर्चुनेटली, इस बार कोशिश कर रहे हैं हो जाएंगे क्योंकि टी20 इंटरनेशनल में सिलेक्ट हो गए, तो फिर से फिंगर्स क्रॉस इस मामले में भी। और वही हर बार की तरह भाई 2000 लाइक गोल के भार के साथ मैं जा रहा हूँ, आप लोगों की उंगलियों के ऊपर है वो भार, करा दबा देना बटन और करवा देना 2000 लाइक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्ट्रीम में ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टाटा, गुड डे।